लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सियालदह एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी। यात्री आराम से सो रहे थे। ट्रेन अकबरपुर रेलवे स्टेशन के जौहरड्डी क्रॉसिंग के पास पहुंची कि यात्रियों को झटका लगा। लोगों की नींद टूटी तो ट्रेन खड़ी थी। किसी ने ट्रेन हादसे की फर्जी सूचना उड़ा दी। यात्री घबरा गए। वे ट्रेन से कूद कर इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इंजन पटरी के उतरने के बाद बोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लोगों को समझाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी लोगों को धैर्य बनाए रखने को कहा। लोगों से अपील की गई कि वे शांत रहे, कोई हादसा नहीं हुआ है। इधर दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन में लगाया गया और ट्रेन वहां से रवाना की गई। ये हादसा गुरुवार सुबह 3 की बताई जा रही है। इस घटना से फैजाबाद अकापुर वाराणसी रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं रेल की पटरी पूरी तरह टूट गई है। फैजाबाद से अफसरों और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची है। अफसरों का कहना है कि पटरी ठीक करने में कई घंटे लगेंगे। उधर कई घंटे से ट्रेन खड़ी रहने से यात्री भी परेशान रहे। स्टेशन अधीक्षक जियालाल ने बताया कि पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कम से कम 4 से 5 घंटे इसमें लगेंगे।